भी दाड़ी चट करे दे ते सुनो ए तू मामी पाई ते जेड़े भी दाड़ी चट करे दे ते सुनो ए तू मामी पाई एक मुठ दाड़ी रखनी है वाजिब विच अदीस गुआई ते हुजूर फरमा दे जिस बंदे ने ते सुन्नत जाया हो की थी ना ओ साडा ना असी उस दे पवे नेक नीति ते जिसने भी उस्तर चलाया ए दाड़ी ते मैनू भी रंज भी पहुंचाया ते जिसने भी उस्तर चिलाया ए दाड़ी ते मैनू ए रंज ए पूछाया ते मुंडा ना कटाना बराबर होया फिल आराम कमाया ते जिस मर्द ने दाड़ी भी कट के ते औरतां ए शक्ल बनाई ते जिस मर्द ने दाड़ी ए कट के ते औरतां ए शक्ल बनाई ए तरीका बद मजहब दा ओ लानत रब दी वी आई ते दाड़ी भी नूर खुदा दा पाई ते होरी मान नशानी ए नाले सुन्नत नबी अपने दी जेवर मर्द पहचानी ते शादी भी कारण ए शक्ल बगाड़ी नाराज नबी नू कीता ए मिलसी ए बदला अमल खराब जो जहर पियाला ए पीता बाद नौजवानों नू अजकल दे दौर विच क्योंकि अनमैरिड होंदे ने उन्होंने ये बड़ी फिक्र और चिंता रहती है कि अगर असी दाड़ी रख छड़ी तो सानू कोई लड़की नहीं देगा साड़ा ब्याह नहीं होएगा लेकिन अगर लोहे महफूज ते जोड़ा तुहाड़े मुकद्दर विच और तुहाड़ी अपनी विरासत ते और कोई नहीं छिन सकता तुसी ये डर खत्म कर दियो अल्लाह और उसके महबूब का डर और प्यारे नबी की मुहब्बत नू दिल के अंदर जगह दियो ते ना ए दीदार नबी दाओ सी ते मैशर बिच मैदाने नजात ओ सी या पकड़े आ जासी अल्लाह ए बेहतर जाने ते नबी फरमासन ए उम्मती मेरा ते दुश्मना शक्ल बनाई ए जिस मजहब दी नकल की थी ए उस वल कर लोए दाई क्योंकि दाड़ी दा मंडाना नु कटाना हराम है और ए यहूद और नसारा दी तकलीद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि मन तशब्बहा बी कौमिन फहुवा मिनहुम जेड़ा मर्द भी जिस कौम की मुशाबत करसी उसका अशर भी उसे कौम दे नाल होएगा अहले इस्लाम दे नाल उसका अशर नहीं होने लगा। ते मुछा भी रखण दाड़ियां काटण बनण एड दलेरी ए हजरत ने फरमाया ए यारो ये नहीं उम्मत मेरी
सामी नजरात अब इस तों बाद दुध पिलाने की जिहड़ी रस्म है जिसनों असीं कहिंदे आ दुध मूह लवाउणा, जिस वक्त बरात जाती है तो दूल्हे नूं जिहड़ा दुध पिलाया जाता है, यह बयान समाप्त समाओ। ते दुध पिला के एक दूल्हे नूं ते मेरी ए बिदत जगावण, दो जागी भी करके मुजरम दे नाले रूपे सटावण। ते कसम खुदा दी विच शरा देता इस दा जिक्र ना कोई, ए तौबा ए करो इस बिदत पारू ना ए करो दिल जोई। ते दूध पिलाओ ते ए सबना भी ताई ते इंसाफ सचावा, ए छड़ दियो ए तरीका हो गैरा मैं कुर्बानी ए ते सोने वक्त ए सुरमाए पाना ते औरत मरदा ताई, ए सुन्नत नबी ए प्यारे ओ वाली ए मूल ना जायज नोई। ते गैर मैरम ना ए सुरमाए पार मैरम देताई, ए फुरमान नबी फुरमाया ए सुने ते काद गुरोई। ते अजकल शादी अंदर तकिया ते एरवाज पुराना, ए साली ए सुरमा पे नोई नू लावे कैसा ए आया ए जमान। ते मुताबिक हदीस रसूल अल्लाह दी ते किवें सुरमालासी, ए जान शिकंजे अंदर फसी और रो के पुछता सी। ते सूट सुपारी ए गल ते हारी ते गाना भी गजल टकाया, निकाए वेले जा कलमे भी पुछो ए कुछ नहीं उसनू भी आया। छड़ो बहाना करे आ सोक सुना मैंने गिनती सुना। मुखालफत दीन दी ए करने ओ वाला ते मुस्लिम नाम दा पाई, ये गाने भी नाम तुमामी ओ दसदा नाले ओ टीवी ए जाई। अर्शद आ गिनती सुना। क्रिकेट प्लेयर ते नाम उना दे दसदा वारो वारी, ए मसला ए दीन दा एक ना आसी तकिया भी बनी ए लचारी। ते जिस तने अंदर इश्क ना रचिया कुत्ते भी उस कोलो चंगे, मालक दे कर राखियो कर दे साबर पूखे वलंगे। ते जिन्ना भी इश्क कबूल ना कीता एवे ओ फिरन बगूते,
इश्क़ ए बाज मुहम्मद बख्शा क्या आदम किया कूते हजरात। इस तो बाद लबास सुन्नत जड़ा है दूल्हे दा किस किस्म दा होना चाहिए है और तमाम अहले इस्लाम नू इस्तेमाल भी करना चाहिए है। अब ये बयान सुनो, तिस पारी ए सूट ते पेंट शर्ट पानी ना ए लबास इस्लामी है। सिपारी भी सूट ते पेंट शर्ट पानी ना लबास इस्लामी। नमाज मकरू भी होवे इस अंदर मुताला करो ए तमामी। ते जो लबास नबी दा ऐसी सुन मैं अर्ज सुनावा। ए कुर्ता शलवार पाजामा ए लाचा नाले सी ए अमामा। ते जो ए गुलाम नबी दा ए पाका दावत मूल ना कर सी। ए खिलाफे शरा ना कम करे सी देंदिया ए जान ना जर सी। ते जिस इतबावी कीती पाई नबी प्यारे वाली। ते जिस इतबाए कीती पाई नबी प्यारे वाली कामयाब हो जासी दोए जुआने मिल सी रुतबा वाली। ते गुरूर तकबर मूल न पावे रब सचे देताई।